जादुई सांप का दरवाजा। यह कहानी शुरू होती है एक छोटा सा बच्चे से जिसका नाम था चिंटू। चिंटू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन चिंटू सो रहा था तभी उसे जादुई सपना दिखा। देखता है बहुत ही बड़े जंगल में एक जादुई दरवाजा है। चिंटू उस दरवाजे के अंदर जाता है फिर गायब हो जाता है। इतने में ही चिंटू का नींद खुल जाता है। कितना अच्छा सपना देख रहा था। सुबह होते ही नदी के पार उस जंगल को जाना होगा तभी वो जादुई दरवाजा मिल जाएगा। सुबह होते ही चिंटू उस जादुई दरवाजा खोज के लिए जंगल जाता है। बहुत देर इधर उधर ढूंढने लगा तभी उसे जादुई दरवाजा नजर आती है। चिंटू जैसे ही जादुई दरवाजे के अंदर जाता है तुरंत गायब हो जाता है। कुछ देर बाद चिंटू बड़े आदमी बनकर एक बड़े सांप के ऊपर बैठकर दरवाजे से बाहर आता है। जादू शक्ति के कारण चिंटू अपने याददाश्त खो चुका था और उसके माता पिता को भूल चुका था। इधर चिंटू के माता पिता चिंटू को इधर उधर ढूंढ रहे थे। चिंटू ना मिलने पर उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। अरे बेटा तुमने चिंटू को देखा क्या? नहीं मैंने चिंटू को नहीं देखा। क्या बताऊं चिंटू दो दिनों से घर नहीं आया है। एक काम करो तुम साधु बाबा के पास जाओ चिंटू कहाँ है वो तुम्हें बता देंगे। चिंटू के माता पिता साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ मेरा बेटा दो दिनों से गायब है तुम उसका पता बता दो। अरे बालक क्यों परेशान हो रहे हो धीरज रखो तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। ये लो गुलाब फूल रात होते ही इस गुलाब फूल को अपने पास रखकर सो जाना तभी तुम्हें एक सपना आएगा। उस सपने में तुम जान पाओगे तुम्हारा बेटा कहाँ है। चिंटू के माता पिता गुलाब फूल लेकर घर वापस आते हैं। रात होते ही चिंटू के माता पिता सो जाते हैं तभी उन्हें सपना आता है। देखते हैं चिंटू बड़े सांप के कैद में है। चिंटू के माता पिता साधु बाबा के पास जाते हैं। रात को जो सपने देखे थे वो साधु बाबा को बताते हैं। ये बात सुनते ही साधु बाबा अपनी दिव्य शक्ति से पता कर लेता है वो जादुई दरवाजा कहाँ है। साधु बाबा जादुई दरवाजे के पास जाता है। बाबा अपनी शक्ति से जादुई दरवाजे शक्ति को कमजोर कर देता है। जादुई दरवाजा कमजोर होते ही सांप वापस आ जाता है। सांप आते ही साधु बाबा और सांप के बीच लड़ाई हो जाती है। कुछ देर लड़ाई होने के बाद सांप की शक्ति कमजोर होने लगी। साधु बाबा सांप को मार देते हैं। सांप मरते ही चिंटू की पुरानी बातें याद आ जाती है। चिंटू अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी घर वापस जाता है।